मनेंद्रगढ़ जिले के एमसीबी में खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अवैध रेत परिवहन में लिप्त लोगों की नींद उड़ा दी है। खनिज विभाग के अधिकारी दयानंद तिग्गा और खनिज इंस्पेक्टर आदित्य मानकर की अगुवाई में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने चैनपुर से चीरटिमार क्षेत्र तक करीब 10 किलोमीटर की पैदल छानबीन की। इस दौरान अवैध रेत परिवहन करते हुए 11 नग ट्रैक्टर को जब्त किया गया। खनिज विभाग की गई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। टीम ने खनिज अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अवैध रेत परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टर चालकों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इस ताबड़तोड़ अभियान का उद्देश्य जिले में रेत माफिया और अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाना है। करीब 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ट्रैक्टरों की तलाशी ली गई। इस छानबीन के दौरान टीम ने अवैध तरीके से रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को रंगे हाथ पकड़ा और उन्हें जब्त कर लिया। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश और SDM साहब के मार्गदर्शन में खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। चोटीमार और चैनपुर एरिया में नदी से जो लगा हुआ एरिया है, वहां अवैध उत्खनन करते हुए लगभग 11 गाड़ियों को खान एवं खनिज अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ गांव खनिज अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई करके जब्त किया गया।